हेलो दोस्तों, टेक्निकल फॉरमैन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको प्लेटिना कम्फोटेक ES 100 के बारे में कुछ टिप्स देने वाला हूं, जो आपको बहुत ही आगे जाके काम में आएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आता है बाइक का इंजन ऑयल। जैसे ही हमारा बाइक 2000 से 2500 किलोमीटर रन होता है, तो 2000 से 2500 किलोमीटर के बीच में आपको इसके इंजन ऑयल को चेंज कर लेना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 2000 से 2500 किलोमीटर होने तक में इसका जो ऑयल का ग्रेविटी होता है बिल्कुल पानी की तरफ पतला हो जाता है। अगर उस टाइम पर आप इस इंजन ऑयल को चेंज नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी लोहा के पार्ट्स लगे होते हैं, वो धीरे धीरे वियर करने लगते हैं। तो जैसे ही आपका बाइक 2 से 2500 किमी के बीच में पहुंचता है, तो उस टाइम पर आपको इसके इंजन ऑयल को निकाल के इसको चेंज कर लेना ज़रूरी होता है। और इंजन ऑयल हो सके तो अच्छी कंपनी का और बेहतर ढंग का ही डालें, ताकि आपका इंजन का लाइफ जो है वो बिल्कुल बरकरार रह सके। तो दोस्तों, जब भी आप इंजन का ऑयल चेंज करते हैं, तो दूसरे नंबर पर आता है इंजन का ऑयल फिल्टर। 1, 2 और 3 8 नंबर के बोल्ट यहाँ पर लगे हुए हैं। जैसे इस 3 बोल्ट को आप ओपन करते हैं, तो यहाँ से ये वाला जो कैप है वो बाहर निकल जाता है। कैप जैसे ही बाहर निकलता है, तो इसके अंदर आपको साफ दिखेगा इंजन का ऑयल फिल्टर। जब भी आप इंजन के ऑयल को चेंज करवाते हैं, तो साथ साथ में दोस्तों ये सिर्फ 35 से 40 रुपये का ही फिल्टर आता है, और इस फिल्टर को आपको अत्यंत ज़रूरी हो जाता है चेंज करना, वरना आपके जो इंजन का ऑयल चेंज करते इसका कोई मतलब नहीं रहता है। क्योंकि जितना हम इंजन में ऑयल डालते हैं, सभी ऑयल को फिल्टर करने का काम इंजन ऑयल फिल्टर करता है, इसीलिए ये भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण पार्ट्स है। जब भी आप इंजन ऑयल को चेंज करें, तो इंजन ऑयल फिल्टर को आपको चेंज करवाना ही है, क्योंकि इतना बड़ा कोई खर्चा नहीं है। जब आप 300 रुपये का ऑयल डाल रहे हैं, तो उसके ऊपर आप 35 से 40 रुपया और खर्च करके साथ साथ में इसके इंजन ऑयल फिल्टर को भी चेंज करवा लीजिए, ताकि आपकी बाइक का इंजन जो है बिल्कुल स्मूथ हो के चल सके। तो दोस्तों, पहले नंबर पर आ गया हमारा बाइक का इंजन ऑयल, और दूसरे नंबर पर आ गया इंजन ऑयल फिल्टर, और तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों हमारे बाइक का टापट वाल्व क्लियरेंस। तो यहाँ पर इसका हेड है, और हेड के अंदर ही दोस्तों इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व 2 होते हैं, कई कई में 4 भी होते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप बाइक का सर्विस करवाते हैं, तो हर 5000 किमी चलने के टाइम पर आपको बाइक के टापट वाल्व क्लियरेंस को चेक करवाना होता है। और जैसे ही बाइक आपका 10000 किमी रन होने आता है, तो उस टाइम पर आपको इसके टापट वाल्व क्लियरेंस को आपको सेटिंग करवाना ही होता है। तो इस बात का भी आपको अच्छे से ख्याल रखना है, क्योंकि जब तक आप टापट वाल्व क्लियरेंस 5000 किमी पर चेक नहीं करवाएंगे, और हर 10000 किमी पर इसको आप सेटिंग नहीं करवाएंगे, तो बाइक के में आपको माइलेज का जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप इसको सेट करवा लेते हैं, तो बाइक का जो परफॉर्मेंस है इंजन का वो भी बढ़िया रहता है, और माइलेज भी आपको बढ़िया देखने को मिल जाता है, क्योंकि माइलेज का पूरा जो रेस्यू का सेटिंग होता है इसी के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपका वाल का सेटिंग सही नहीं होगा, तो आप कितना भी करेंगे, मगर आपका माइलेज जो कार्बोरेटर से सेट आप करवाते ट्यूनिंग, वो नहीं हो पाएगा। टापट वाल्व क्लियरेंस सेटिंग के बाद आता है चौथे नंबर पर बाइक का स्पार्क प्लग। जब भी आपका बाइक 10000 से 15000 किमी रन होने आता है, तो उस टाइम पर आपको बाइक के स्पार्क प्लग को चेंज करवा लेना अत्यंत जरूरी हो जाता है, क्योंकि बाइक का जो माइलेज का पूरा रेशियो होता है वो स्पार्क प्लग पर भी डिपेंड होता है। जैसे कार्बोरेटर के ऊपर डिपेंड होता है, वाल्व क्लियरेंस के ऊपर डिपेंड होता है, ऐसे ही ये जो तीसरा नंबर का है, ऐसे तो चौथा नंबर है हमारी लिस्ट के अंदर, तो ये जो स्पार्क प्लग है इसको भी आपको चेंज करवा लेना अत्यंत ज़रूरी है। और हर सर्विस में आपको इसके गैप को सेटिंग करवाना है, साथ साथ में इसको साफ भी करवाना है। और जब भी आपको स्पार्क प्लग चेंज करवाने का होता है, तो आप आग्रह रखिए या तो ऑथोराइज्ड डीलर से खरीदिए, या सिर्फ कंपनी के शोरूम से ही खरीदिए, क्योंकि इसके अंदर अदर मार्केट में जो मिलते हैं स्पार्क प्लग, वो इतने कामयाब नहीं है। खुद मैंने ट्राई करके देखा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आपको स्पार्क प्लग चेंज करने का होता है, तो शोरूम से खरीदिए, या तो फिर जो इसका डीलर होता है उसके पास से खरीदिए, मगर जेन्यून ला के डालिए। और स्पार्क प्लग का ये क्या नंबर है वो आपको इसकी सर्विस मैनुअल बुक में आपको मिल जाएगा। उस साथ में अगर आप चाहे
तो स्पार्क प्लग को खोलकर भी साथ में ले जा सकते हैं। तो दोस्तों इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, टापट वाल्व क्लीयरेंस और इसके बाद स्पार्क प्लग के बाद पांचवें नंबर पर आता है हमारे बाइक का एयर फिल्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक, दो, तीन, चार और पांच पेच लगे हैं। जैसे इस पांच पेच को आप ओपन करेंगे तो ये वाला जो सेक्शन है पूरा प्लास्टिक का ये बाहर आ जाएगा और इसी के अंदर जहाँ पर ये गैप दिख रहा है आपको, यहाँ पर फॉर्म का एक फिल्टर होता है, साथ में एक लोहा का इस साइड में एक जाली होता है ताकि फिल्टर कभी भी टूट जाए तो खींच के इंजन के तरफ ना चला जाए, इसीलिए प्रोटेक्शन के तौर पर यहाँ पे एक जाली दिया जाता है और इस तरफ में फॉर्म का फिल्टर होता है। तो अगर आपका फॉर्म का फिल्टर ज़्यादा ही कुछ डैमेज हो चुका है तो इसको आप चेंज कर लीजिए, और अगर आपका फिल्टर सही चलने के हालात पर है तो आप इसको चाहे तो मिट्टी के तेल से या फिर पेट्रोल से इसको क्लीन करके वापस इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के वापस लगाएंगे तो ये जो आपका एयरबॉक्स है बिल्कुल साफ हो जाएगा। साथ साथ में जब भी इसको खोले तो उसके अंदर कपड़ा अच्छा सा कॉटन का लगा के इसके अंदर जितना भी डस्ट है इसको भी साफ कर लीजिए, और ये अत्यंत ज़रूरी होता है जब भी आप इंजन ऑयल चेंज करवाते हैं तो साथ साथ में दोस्तों आपको एयर फिल्टर को भी क्लीन करवाना ही चाहिए। अगर आपका एयर फिल्टर डैमेज है तो उसको बदल दिए बिना साथ में अत्यंत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बिना बदले आपका माइलेज आपको इसमें अच्छा नहीं मिलने वाला है और इंजन के अंदर जो आपको परफॉर्मेंस जो देखने को मिलेगा वो आपको एयर फिल्टर क्लीन रहेगा तो बढ़िया परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिलेगा, साथ में माइलेज भी आपको इसमें बढ़िया मिलेगा। एयर फिल्टर को क्लीन करने के बाद छठे नंबर पर आता है हमारा पेट्रोल वाला टैप, जिसको पेट्रोल टैप भी कहते हैं और पेट्रोल का कॉक भी कहा जाता है। तो ये वाला जो सेक्शन है ये कई में प्लास्टिक का होता है और कई में ये एल्युमिनियम का भी होता है। तो जैसे इसको आप घुमा के निकालेंगे बाहर तो इसके अंदर एक पेपर का फिल्टर होता है। अगर आपका फिल्टर डैमेज नहीं है, अगर सही पोजिशन में है तो इसको आप क्लीन करके वापस लगा सकते हैं, वरना ये कुछ 5 से 7 रुपये में इसका जो पेपर वाला फिल्टर है वो मिल जाता है। तो इस समय आपको इसका पेपर वाला फिल्टर भी चेंज करना अत्यंत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये पेपर वाला फिल्टर जो है अगर ख़राब हो चुका है, अगर चौकअप हो चुका है तो इसको आप क्लीन नहीं करेंगे तो यहाँ चौक हो जाने की वजह से जो कार्बोरेटर में पेट्रोल जाना चाहिए वो नहीं जा पाएगा। और साथ साथ में दोस्तों ये वाला जो पाइप आपको दिख रहा है पेट्रोल का, अगर ये भी कुछ ज़्यादा समय से हार्ड हो चुका है तो इसको भी आपको चेंज करवा लाना चाहिए। साथ साथ में इस पाइप को भी अगर आप चेंज करवा लेंगे तो पाइप का जो क्वालिटी है थोड़ा सा नरम रहेगा, तो जब भी आपको इसको क्लीन करने के लिए वापस बाहर निकालना है तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। और इस पाइप का कीमत भी कुछ ज़्यादा नहीं होता है, सिर्फ 10 से 12 रुपये में आपको ये 1 फुट मिल जाता है। अगर आप 10-12 रुपये में 1 फुट खरीद लेते हैं तो इसको आप कम से कम 1 से 2 बार चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बस 5 से 4 इंच पाइप लगता है, ज़्यादा कुछ लगता नहीं है। दोस्तों पेट्रोल टैप को क्लीन करने के बाद 7वें नंबर पर आता है हमारा कार्बोरेटर। अगर आपका कार्बोरेटर कुछ ज़्यादा ही हद तक गंदा हो चुका है तो इसको आप क्लीन करवा सकते हैं, और साथ साथ में जब आपने इतना किया ही है, एयर फिल्टर को क्लीन किया, टापट वालों का क्लीन सेट किया, स्पार्क प्लग नए डाले, तो साथ साथ में आप इसका जो ट्यूनिंग है इसको भी करवा लें, क्योंकि इसके बिना, ट्यूनिंग के बिना जो आपका पूरा सर्विस का प्रोसेस है वो आधा अधूरा रह जाता है। क्योंकि आपने इतना सारा काम करवाया, स्पार्क प्लग चेंज करवाया, साथ में आपने वाल्व का क्लीन सेट करवाया, एयर फिल्टर के अंदर एयर फिल्टर नया डाला, तो साथ साथ में आपको कार्बोरेटर को भी क्लीन करवा के इसको ट्यूनिंग करवा लेना चाहिए, ताकि पूरा जो प्रोसेस है सर्विस का एक सम्मान पूरा कंप्लीट हो जाता है, वरना इसके बिना आधा अधूरा रह जाता है। तो साथ साथ में इसको क्लीन करवा के इसका जो एयर मिक्सचर है इसको भी हमें ट्यूनिंग करवा लेना चाहिए। और कार्बोरेटर को क्लीन करने के बाद 8वें नंबर पर आता है हमारा चेन स्पॉकेट को क्लीन करवाना, क्योंकि चेन को भी साथ साथ में दोस्तों डीजल से क्लीन करवाना अत्यंत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपका चेन स्पॉकेट ख़राब हो चुका है तो आप इसको चेंज भी करवा सकते हैं, अगर चलने लायक है तो इसको आप डीजल से वॉश करवा के वापस इसके ऊपर लुब्रिकेशन करवा के अच्छी तरह से फिर से इसको चला सकते हैं। ज़्यादातर मेरे वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा पूरा प्रोसेस, मैंने जितना भी आपको बताया इतना सारा का सारा प्रोसेस मैंने
अपने सारे वीडियो में कवर किया है। अगर आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाके बाइक एंड मोपेड के प्लेलिस्ट में जाके खुद अपना बाइक उसमें से देखकर पूरा का पूरा सर्विस कर सकते हैं। जितने भी प्रोसेस मैंने आपको बताए सारे के सारे प्रोसेस मैंने अपने वीडियो में कवर किए हैं। आप चाहे तो हमारे वीडियो में जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दिया गया है, वहाँ पर जाके इसको देख सकते हैं। चेन स्पॉकेट को क्लीन करने के बाद 9वें नंबर पर आता है टायर का एयर प्रेशर। अगर आप सिंगल सवारी में बिना पिलियन के चलते हैं सिर्फ सिंगल में, तो इसके अंदर आप दोस्तों 30 से 32 तक एयर फिल करवा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। अगर आप डबल सवारी में पिलियन के साथ चलते हैं तो इसके अंदर आप 40 तक एयर फिल करवा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। साथ साथ में दोस्तों आपको टायर का क्वालिटी भी अच्छा रखना है, क्योंकि माइलेज के मामले में अगर टायर कुछ ज़्यादा ही बड़ी साइज का आप डाल देंगे तो माइलेज जो है आपका इसमें नहीं आ पाएगा। तो जो कंपनी के अकॉर्डिंग इसमें हमने टायर जो कंपनी ने हमें रिकमेंड किया है वही टायर हमें इसमें डलवाना चाहिए, जब भी टायर हम नया डलवाते हैं तो। और इसके बाद दोस्तों 10वें नंबर पर आता है सीट का ये वाला जो लॉक है, इसको भी हमें या तो ग्रीस या तो ऑयल लगा के रखना है ताकि ये कोई हार्ड होके जाम ना हो जाए। कई मामले में मैंने देखा है कि इसका केयर ना करते हुए कई बार इसमें जो सीट है वो फंस जाता है और उस समय दोस्तों इस लॉक को पूरा तोड़ के निकालना पड़ता है, तो ऐसा पोजीशन ना आए इसलिए इसके अंदर आप चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हैं और ग्रीस भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर पूरा वायरिंग का सेक्शन दिया गया होता है, ये हमारा CDI है, ये हमारा बैटरी है, तो बैटरी भी अगर ज़्यादा कुछ समय हो चुका है, डैमेज हो चुका है, तो इसको भी हमें टाइम टाइम पर इसके जो यहाँ पर टर्मिनल होते हैं इसको भी हमें यहाँ से साफ़ करना होता है। इसको साफ़ करने के लिए सिर्फ आप गर्म पानी का यहाँ पर इसको खोल के थोड़े से हीटिंग वाले पानी में इसको डुबेंगे तो इसके अंदर जितना भी खार लगा हुआ होता है जंग वो निकल जाता है, तो इसका भी हमें ख्याल रखना होता है। साथ साथ में यहाँ पर जो हमारा पेट्रोल टैंक है इसके लॉक में थोड़ा सा ऑयल लगा के रखना पड़ता है और ये वाले भी लॉक में हमें ऑयल लगा के रखना पड़ता है। ख़ास करके बारिश के मौसम में अगर आप ऑयल नहीं लगाना चाहते हैं तो WD स्प्रे भी कर सकते हैं दोनों में, और साथ साथ में WD स्प्रे जो है इसके स्विचेस में भी करना होता है। खास करके बारिश के ऋतु में जो ये वाले स्विच होते हैं इसके अंदर बारिश का पानी जाने की वजह से इसके अंदर जो सारे ब्रास के मटेरियल के पार्ट होते हैं इनके अंदर दोस्तों वाइट कलर का खार लग जाने जाता है, जिसे हम जंग बोलते हैं एक प्रकार का, वो लग जाता है तो इसका जो कंटिन्यूटी होता है वो सही नहीं हो पाता है, इसकी वजह से दोस्तों जो स्विच है वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसके अंदर भी हमें WD स्प्रे खास करके बारिश के ऋतु में करना है दोनों तरफ में। और एक्सीलेटर का केबल भी आपको समय पर ऐसा लगे कि ख़राब हो चुका है तो इसको भी आप चेंज करवा सकते हैं। जितना अपनी बाइक का आप केयर करेंगे इतना ही आपका बाइक जो है लंबे लाइफ तक चलेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना सही मैं आपको कहना चाहता था कि इन 10 बात का आपको अच्छे से अच्छी तरह ख्याल रखेंगे तो बाइक में कोई भी प्रॉब्लम लॉन्ग टाइम तक आने वाला नहीं है। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना सा ही मैं आपको कहना चाहता था, 10 टिप जो है वो आपको बताना चाहता था। तो आज के वीडियो में बस इतना सा ही, मिलते हैं अगले ऐसे ही कोई टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। I'm not afraid of the dark.